जय हिंद साथियों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स 16 सितंबर 2020 लेके आए हैं। इसके पहले 11 सितंबर से शुरू किए हैं डेली करंट अफेयर्स का। तो मेरे दोस्त, आप जानते हैं, आपका स्वागत है पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे यूट्यूब चैनल पे। आप यहाँ बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को देख पाएंगे, तो देखना ना भूले मेरे दोस्त। तो चलिए बिना देर किए, बिना समय गवाए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है मेरे दोस्त 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। यह वर्ष 1994 से विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए नंबर टू का प्रश्न है, सोशल मीडिया में किसी भी नेता या राजनीतिक पार्टी के बारे में भ्रम फैलाने को रोकने के लिए किस लिंक को एक्टिवेट किया गया है? यह किया गया है मेरे दोस्त फैक्ट चेक लिंक को एक्टिवेट किया गया है, जो सोशल मीडिया पर हो रहे दुष्प्रचार का जवाब आएगा आयोग व जिला प्रशासन की वेबसाइट पर जारी फैक्ट चेक से लिंक कर दिया गया है, जिससे कि कोई भी आलतू फालतू मैसेज फेक न्यूज की तरह न फैलाए। चलिए नंबर थ्री का प्रश्न है, हाल ही में बिहार राज्य के कितने पुलिसकर्मी को वीर पशुपति मेडल से पुरस्कृत किया गया है? वह किया गया मेरे दोस्त 22 पुलिस अधिकारी को। चलिए तो इसके बारे में डिफिनेशन है, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर और शिवहर जिले के 22 पुलिस अफसर एवं जवान को वीर पशुपति मेडल से पुरस्कृत किया गया है। चलिए नंबर चार का प्रश्न है, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने जिसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है, वह है मेरे दोस्त बदर दुर्रेज अहमद को नियुक्त किया गया है। इनका जन्म 16 मार्च 1956 में हुआ है। यह जम्मू एंड कश्मीर के उच्च न्यायालय के जज थे। ठीक है, चलिए नंबर पांच का प्रश्न है, केंद्र सरकार के स्टार्टअप रैंकिंग में जिस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है, वह है मेरे दोस्त गुजरात ने पहला स्थान हासिल किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और इनके राज्यपाल है गुजरात के आचार्य देवव्रत। चलिए नंबर सिक्स का प्रश्न है, आज से ही जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आज से ही जो बने हैं जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। इसके पहले जापान के नए प्रधानमंत्री थे शिंजे आबे। ठीक है, चलिए नंबर सात का प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने किस ग्रह पर पृथ्वी पर रहने वाले जीवों सहित फॉस्फिन गैस के साक्ष्य पाए हैं मेरे दोस्त शुक्र ग्रह। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने हैं मेरे दोस्त? 8 ग्रह हैं। वह हैं बुध हैं, शुक्र हैं, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। चलिए नंबर आठ का प्रश्न है, हाल ही में यूरोमोनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया है मेरे दोस्त आदित्य पुरी को। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी मेरे दोस्त 1992 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नंबर नाइन का प्रश्न है, हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यह किया है मेरे दोस्त जूही चावला को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जूही चावला एक भारतीय अभिनेत्री है, ये 1984 में मिस इंडिया बनी। इनको दो बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया है। चलिए नंबर 10 का प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने मध्य प्रदेश के किस जिले में अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है मेरे दोस्त? वह किए है मुरैना।
हाँ मेरे दोस्त, ये किए हैं मुरैना, मुरैना में किए हैं, यह मध्य प्रदेश का मुरैना चंबल घाटी का प्रमुख जिला है, जो 5,000, जो मेरे दोस्त 5,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। चलिए नंबर 11 का प्रश्न है, हाल ही में अमेजन ने अपने अपने डिजिटल सहायक अलेक्सा की वॉयस के लिए किसे चुना है? तो अमिताभ बच्चन को चुना है। जो अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को हुआ, वह बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेता हैं। चलिए नंबर 12 का प्रश्न है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? वह क्या है मेरे दोस्त? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, एवं उनके राज्यपाल हैं भगत सिंह केसियारी। तो मेरे दोस्त, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे मेरे दोस्त अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर यू, धन्यवाद। और मैं जाते जाते बता देना चाहूंगा मेरे दोस्त, यह जो आपको दिख रहा, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स का बटर मार्क हर पेज पे, यह मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। आप यूट्यूब सर्च बार में विजिट कीजिए, लिख दीजिए या बोल दीजिए, मेरा चैनल आपके सामने उपस्थित रहेगा। आप वहाँ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जीके जीएस का लाभ ले मेरे दोस्त, जो आपको आगामी परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। फिर भी